गुड मॉर्निंग बच्चों, और क्या हाल चाल है? कल जो प्रश्न दिए थे उसको आप लोगों ने किया, चलिए अच्छी बात है। आप यदि ऐसा ही रोज प्रश्न हल करके लाया करेंगे तो आपको फिर 11th क्लास में कोई फेल नहीं कर सकता। अब कल से आगे हम जो अध्याय पढ़ रहे थे, क्रमचय एवं संचय, और इसमें हम अभी क्रमचय के बारे में पढ़ रहे थे। और कल हमने आपको पिछले काल खंडों में NPR के बारे में बताया था आखिरी, और इस NPR का मतलब N-1, N-2, N-3, इस तरीके से होकर के N-R+1 होता है, यहाँ तक के हमने आपको बताया था। और इसको NPR पढ़ते हैं, ध्यान रखना इसका लिखने का तरीका। P के बाईं ओर ऊपर में N लिखते हैं और P के दाहिनी ओर नीचे में R लिखते हैं। N जो है वो कुल संख्या को बताता है, कुल स्थान या कुल वस्तु जो भी अधिकतम दिया हुआ होता है उसको बताता है, जबकि जो R है वह उस N में से कितना लिया गया है उसको बताता है। अब इसके बाद देखिए, इसी NPR को ये लास्ट हमारा N-R+1 आया है, हम इसको आगे और क्या लिख सकते हैं, देखिए N-1, N-2, N-3, इस तरीके से हम गए, यहाँ आ गया N-R+1। इसके बाद का यदि हम लिखना चाहें, चूंकि गुणा में है, एक एक कम होता जा रहा है, एक एक कम होता जा रहा है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, N-R, उसके बाद N-R-1, N-R-2, इस तरीके से 3, 2, 1, यहां तक क्या आएगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहां से हमने एक्स्ट्रा इसमें गुणा किया है, यहां से अतिरिक्त गुणा किया है, तो अतिरिक्त गुणा किया है तो उसको बराबर करने के लिए उस अतिरिक्त से हम उसको अब भाग दे देंगे, तब वो बराबर होगा। तो यहां पर क्या जाएगा, N-R, N-R-1, N-R-2, और इस तरीके से 3, 2, 1 हो गया। अब आपको मालूम है कि जो फैक्टोरियल N होता है, उस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक आते तक के सतत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। आप यहां पर देखो, ये n है, n से एक कम हुआ, फिर दो कम हुआ, फिर तीन कम हुआ, और आखिरी होते तक के वो कहां पर आ गया, 3, 2, 1 आ गया। मतलब इस पूरे ऊपर वाले लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n के रूप में लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इसको, हमारा प्रश्न जो NPR था, NPR तो इतना ही होता है, N-1, N-2, सूत्र के रूप में प्रतिपादित करने के लिए हमने इसका अतिरिक्त गुणा किया, और जब अतिरिक्त गुणा किया तो उस अतिरिक्त से उसको भाग दे दिए, ताकि ऊपर वाले मान में कोई परिवर्तन न हो। अब यहां पर देखिए, ये N-R है, N-R, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, ऐसा होते तक के वो 3, 2, 1 तक के आ गया। तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, N-R का फैक्टोरियल। इस तरीके से आप ये देखिए कि ये जो एक सूत्र मिल गया, N वस्तुओं में से R वस्तु लेकर के यदि हम कोई समूह बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, हमारी क्रमचयों की संख्या का सूत्र क्या निकल गया, NPR बराबर फैक्टोरियल N बटे N-R का फैक्टोरियल। अब यहां पे कल्पना करो कि यदि R का मान जो है वो N के बराबर हो जाए, यदि R बराबर N, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, देखो NPN बराबर फैक्टोरियल N, फैक्टोर N-N
का फैक्टोरियल, ये होगा। और n माइनस n का जो मान होता है ये किसके बराबर, ये दोनों कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर हम लिख देते हैं। अब npn जब हम लेकर के चलते हैं तो इस npn का मान किसके बराबर आता है, हमको इसका मान भी जानना जरूरी है, npn का मान किसके बराबर होता है। जैसे ये npr दिया हुआ है, हमने उसका नहीं बता पाया था, एक चीज और यहां पर बता देते हैं हम आपको, ये npn, तो जब हम npn का मान लिखेंगे तो n n माइनस वन n माइनस टू इस तरीके से, r की जगह क्या आ गया है, n आ गया, तो इस r की जगह भी n आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा n माइनस n प्लस वन। अब ये दोनों कट गए n और n, क्या बच गया हमारे पास में, n n माइनस वन n माइनस टू, इस तरीके से तीन दो, यहाँ लास्ट में एक बचा। तो हम क्या पाए, ये क्रमगुणित फैक्टोरियल निकल गया, या एन पी एन का मान किसके बराबर हो गया, फैक्टोरियल n के बराबर। यदि n में से n को लेकर के बनाए तो कर्मचारियों की संख्या कितनी निकली, फैक्टोरियल n निकली। अब हमने यहाँ पर क्या किया, देखो npr का मान निकाला, npr का मान निकालने के बाद r को किसके बराबर ले लिए, n के बराबर, और जब r को n के बराबर ले लिए तो ये क्या हो गया, npn बराबर फैक्टोरियल n बटे n ऋण n का फैक्टोरियल। अब ये जो npn है इसका मान कितना आया है, फैक्टोरियल n, ये हो गया फैक्टोरियल n, और नीचे कितना आ गया, फैक्टोरियल 0, n में से n गया तो 0। इस फैक्टोरियल 0 को यदि हम इस तरफ रख लें तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो इस तरीके से फैक्टोरियल n बराबर कितना आ गया, 1। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल 0 का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये बताने का आशय ये है कि कई बार 0 आता है तो वो शून्य के बराबर होता है करके हम हल कर लेते हैं और हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो फैक्टोरियल शून्य है ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और कैसे होता है ये हमने अभी निकाल के बताया कि फैक्टोरियल npn का मान फैक्टोरियल n होता है, तो इसके जगह फैक्टोरियल n रख दिए, r के जगह n रख दिए, तो n और n 0 हो गया, इसको नीचे ले आए 0 ऊपर चला गया, और इस तरीके से फैक्टोरियल 0 अंश और हर के दोनों कट गए, कितना आ गया, 1 आ गया। अब यदि पुनः हम ले लेते हैं पुनः n इक्वल टू शून्य हो, तो पहले तो हम क्या लिए थे, r किसके बराबर हो, n के बराबर, अब दूसरी बार क्या ले रहे हैं हम, n किसके बराबर, शून्य के बराबर। तो n शून्य के बराबर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य पी आर बराबर, पहले हम ऐसा लिख देते हैं तो आपको दिक्कत नहीं, एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन बटे एन माइनस आर, ये हमारा सूत्र होता है। अब एन के मान हम शून्य लिख लिए तो शून्य पी आर बराबर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल शून्य और शून्य माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, शून्य पी आर को अच्छा यहां पर इसका मान 1 हो गया और ये ऋण आर का फैक्टोरियल। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या आ गया हमारा, 1 बटे n इक्वल टू यह आ गया हमारा 1 बटे ऋण r का फैक्टोरियल, और इधर हमने क्या रख दिया, शून्य पी आर, तो शून्य n के जगह शून्य हो गया और ये शून्य माइनस r का
फैक्टोरियल। जब शून्य माइनस आर का फैक्टोरियल हम लेते हैं तो उसको जब लिखने के लिए चाहेंगे तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आगे ये नहीं लिख करके, इस तरीके से नहीं लिख करके हम उसको लिख देते हैं, ये ऊपर का मिटा देते हैं, उसको हम कैसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल की भाषा में, शून्य शून्य माइनस वन, शून्य माइनस टू, शून्य माइनस थ्री, लास्ट कितना है हमारा आर है, आरवां पद, तो ये आ जाएगा हमारा शून्य माइनस आर प्लस वन। उसका विस्तार करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इधर क्या आ गया हमारा एक बटे माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहां पर देखिए ये शून्य है, और जब ये शून्य है तो शून्य का किसी के भी साथ गुणा होगा तो शून्य ही आएगा, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, शून्य बराबर एक बटे ऋण आर का फैक्टोरियल, या हम इसी को बोल सकते हैं कि कोई भी ऋणात्मक संख्या का यदि हम फैक्टोरियल लेते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है, शून्य के बराबर आ जाता है, एक बटे ऋण आर का फैक्टोरियल बराबर शून्य। तो इस तरीके से आपने देखा कि बिल्कुल छोटे छोटे से दो तीन सूत्र हैं हमारे, जिसका कि इस प्रश्नावली में जरूरत पड़ेगा, और वो सूत्र हमको क्या क्या मिले, एक तो मिला NPR इक्वल टू फैक्टोरियल N बटे N माइनस R का फैक्टोरियल, दूसरा चीज हमको मिला कि फैक्टोरियल शून्य का मान एक के बराबर होता है, तीसरा चीज हमको मिला एक बटे ऋण R का जो फैक्टोरियल है वो शून्य के बराबर होता है, चौथा जो हमने जाना इधर का मिटा देते हैं, NPR इक्वल टू N, N माइनस वन, N माइनस टू, इस तरीके से N माइनस आर प्लस वन, इतने चीज जाने। दूसरा फैक्टोरियल का मान कैसे निकालते हैं, जैसे फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 बराबर 120, इस तरीके से मान निकालने के लिए जाना। कहने का मतलब ये है कि ये जो फैक्टोरियल 5 है, इधर फैक्टोरियल 5 किसके बराबर हुआ, 120 के बराबर हुआ। तो हमने अभी तक के क्रमचय और संचय में इतनी सारी बातें जानी, इन्हीं के आधार पर अब हम इनके प्रश्नों को हल करेंगे। ये छोटे छोटे से सूत्र हैं जिनका उपयोग करते हुए हमको प्रश्नों को हल करना है। चलिए इसके बाद हम लेते हैं प्रश्नावली, पांच दशमलव दो, और आप लोग इधर उधर काहे के लिए देख रहे हो भाई, थोड़ा स्क्रीन की तरफ देखिए, ध्यान लगा के पढ़िए, पढ़ने के लिए आए हो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको आपके स्कूल में गणित बताने वाला कोई नहीं है, आप जो यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं उसी के आधार पर आपको गणित की पढ़ाई करनी है, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। चलिए अब प्रश्न में आते हैं, एक प्रश्न लेते हैं हम, जैसे 10P4 का मान ज्ञात कीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे, 10P4 का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है, हल बिल्कुल सरल है इसका,
10p4 इक्वल टू फैक्टोरियल 10 बटे 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। आपने किस सूत्र का उपयोग किया? एन पी आर बराबर फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल, इस सूत्र का उपयोग किया है। अब इसके बाद ये हो गया फैक्टोरियल 10, 10 में से 4 गया 6 का फैक्टोरियल। फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 का फैक्टोरियल बटे 6 का फैक्टोरियल। एक एक कम होता गया, 10, 10 से कम 9, 9 से कम 8, 8 से कम 7, और उसके बाद हमने 6 का फैक्टोरियल इसलिए लिख दिया कि नीचे भी 6 का फैक्टोरियल है, वो आसानी से कैंसिल हो जाए। और अब ये 6 के फैक्टोरियल, ये 6 के फैक्टोरियल कैंसिल हो गए। अब हमको इसका गुणा करना है। 10 निया 90, 9 अट्ठे 72, यहाँ तक के तो हमारा 720 आ गया। 10 निया 90 और 9 अट्ठे 72, अब बच गया 7 से गुणा करना है, तो इसको 7 से गुणा कर देते हैं। 7 सात दुनी 14 का 4 बचा 1, 7 सत्ते 49 और 1 50। तो इस तरीके से हमारे क्रमचयों की संख्या कितनी हो गई? 50, 40, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसको जल्दी से, उसके बाद फिर अगला प्रश्न बताते हैं। हो गया? अरे सामने देख के, ब्लैक बोर्ड को देख करके उतारिए भाई, क्यों इधर उधर देख रहे हो? चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इक्वल टू 10pr, 10pr हो तो r का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको इस प्रश्न में 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 बराबर 10pr हो तो r का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हम इसको अब देखो किस तरीके से हल करेंगे। हल में एक लिख देते हैं npr बराबर फैक्टोरियल n बटे n माइनस r सूत्र से, इसी सूत्र का ही उपयोग होगा। और इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, n माइनस 5 का फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू फैक्टोरियल 9 और 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल बराबर फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस r का फैक्टोरियल। तीनों को लिख लिए। अभी आप लोग लिखना बंद कीजिए, जब आपको सवाल समझाया जाता है तो पूरा ध्यान आपका ब्लैक बोर्ड की ओर होना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 में से 5 गया तो यहाँ पर बच गया 4 का फैक्टोरियल, और ये हो गया 5 इंटू फैक्टोरियल 9, और 9 में से 4 गया तो 5 का फैक्टोरियल और 10 का फैक्टोरियल बटे 10 ऋण r का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 5 है और यहाँ पर फैक्टोरियल 5 है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इस 9 का फैक्टोरियल को कॉमन निकाल दिए तो 1 बटे 4 का फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पर भी 9 का फैक्टोरियल है तो वो बाहर निकल गया। इस 5 से ये वाला 5 का फैक्टोरियल का पहला हिस्सा कट जाएगा तो 1 बटे 4 का फैक्टोरियल आएगा। ये लाइन क्लियर हुआ? आपका चेहरा ये बता रहा है कि आपने इस लाइन को नहीं समझा है, तो हम इसको और दूसरे तरीके से बता देते हैं। चलिए, यहाँ पर हम 9 को बाहर निकाल दिए तो यहाँ बच गया 5,
बटे 5 गुणित 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम नीचे वाले 5 को। अब आप देखिए ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा और इधर हमको कुछ नहीं करना है, 10 का फैक्टोरियल बटे 10 माइनस 8। यहाँ पर देखिए 9 का फैक्टोरियल और 1/4 का फैक्टोरियल धन 1/4 का फैक्टोरियल और ये 10 का फैक्टोरियल और 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा वो। एलसीएम निकाल के 2/4 का फैक्टोरियल 10 × 9 का फैक्टोरियल, ये 9 का फैक्टोरियल और ये 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये 9 का फैक्टोरियल दूसरे तरफ नीचे चला गया, ये दोनों आपस में कट गए, यहाँ पर क्या बच गया 2 × 4 × 3 × 2 × 1, 4 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, यहाँ बच गया 10 और ये 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखिए 2 से 2 कट गया, इसको हम ऊपर ले आए 10 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर 4 × 3 = 12 दहम 120 गुणा कर दिए। अब देखिए हम यहां पर आपको फैक्टोरियल 5 को 120 लिखते हैं बताए हैं, तो 120 के जगह हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको 10 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर फैक्टोरियल 5। अब देखिए यह 120 के बराबर है, 10 माइनस जो 120 है वो 10 माइनस आर के फैक्टोरियल के बराबर है, और अब हम यहाँ पर भी फैक्टोरियल कर दिए तो ये दोनों इक्वल भी हैं और फैक्टोरियल भी हैं, तो दोनों फैक्टोरियल हट जाएंगे और हमारे पास सीधा क्या बच जाएगा वहाँ पर, यहाँ पर हम बना देते हैं 10 माइनस आर इक्वल टू 5, माइनस आर को उधर ले गया तो प्लस आर हो गया और 5 को ले आए तो 10 माइनस 5, 10 में से 5 गया तो 5। तो इस तरीके से आपने देखा कि आर का मान कितना निकल गया, 5 हमको प्राप्त हो गया जो प्रश्न में पूछा गया था। समझ में आई गया होगा आप लोगों को, चलिए इस सवाल को लिखिए, इसके बाद फिर और कोई क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसको लिख लिया होगा अभी तक क्या आप लोगों ने, क्या और आपको समय की आवश्यकता है, चलिए फास्ट लिखिए। यदि आपने नहीं लिखा है तो अपने बगल वाले का कॉपी देख करके लिख लीजिए, क्योंकि यदि हम यहाँ पर अपना समय खराब करेंगे तो आपको हो सकता है और सवाल न बता पाए। एकाद अगला क्वेश्चन और लिखते हैं हम, 20 पी आर बराबर 13 × 20 पी आर माइनस 1 हो तो आर का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले प्रश्न में आपने देखा होगा कि जो प्रश्न लिए थे हम उसमें धन का चिन्ह था बीच में, अभी जो प्रश्न लिए हैं ये थोड़ा सा उससे अलग है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। आप पहला प्रश्न में देखेंगे अपने कॉपी का पन्ना पलट के तो आपको 9P5 + 9P4 दिखा होगा, अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह वाला प्रश्न है। देखिए चलिए इसको हम किस तरीके से हल करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सूत्र NPR = (n/n-r)। से इसी सूत्र का ही उपयोग होता है, इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 20 और 20 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 13 × 20 - r-1। r की जगह यहां पर क्या है, r माइनस 1 है, हमारा सूत्र NPR है, तो जब NPR रहता है तो n माइनस आर करते हैं, यहां पे r माइनस 1 है तो यहां पे हम r माइनस 1 को ही घटाएंगे।
ये हो गया हमारा फैक्टोरियल 20, 20 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर 13 गुणित 20 का फैक्टोरियल, और ये 20 ऋण आर धन 1 का फैक्टोरियल। आप ब्रैकेट को खोलोगे तो ऋण आर और ऋण और ऋण धन हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं 20 का फैक्टोरियल 20 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 13 इंटू 20 का फैक्टोरियल बटे 21 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये 20 और 1 21 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, आप बाएं तरफ फैक्टोरियल 20 है, दाहिने तरफ फैक्टोरियल 20 है, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 21 माइनस आर का फैक्टोरियल बटे 20 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर 13 गुणित 20 का फैक्टोरियल बटे 20 का फैक्टोरियल। या ऊपर का जो 20 का फैक्टोरियल है बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, और नीचे जो 21 माइनस आर है बराबर के दूसरी ओर इधर आएगा तो वो ऊपर आ जाएगा। आर आर वाले पद को एक और कर लिए, और एक और करने के पश्चात अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 21 माइनस आर और 20 माइनस आर का फैक्टोरियल बटे 20 माइनस आर का फैक्टोरियल। आप देखते हो जब हमने यहाँ पर ये सूत्र लिखा है, देखो एन पी आर का मान एन एन माइनस वन, और ये उससे एक एक कम होता गया है। अब एक कम हमको करना है तो हम अंकों से करें या एन से करें, मतलब एक ही है, कम एक अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर वही है 21 माइनस आर का फैक्टोरियल है, हम आर का वही मान को रहने दिए हैं, 21 से एक कम कितना हो गया 20 हो गया, तो हम 20 माइनस आर का फैक्टोरियल लिख लिए उसको, और इधर ये दोनों आपस में कट गए तो कितना बच गया 13। अब 20 माइनस आर का फैक्टोरियल 20 माइनस आर का फैक्टोरियल ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया हमारे पास में 21 माइनस आर बराबर 13। अब माइनस आर को हम 21 माइनस 13 बराबर आर लिख सकते हैं, 21 में से 13 गया 8 बराबर आर, या आर बराबर 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको बनाते समय सवाल उतने कठिन नहीं है, थोड़े से ध्यान से बनाना है, और कोई मेरे ख्याल से इसमें आपको तकलीफ नहीं होगी कि आपको दोबारा बताना पड़े। सिर्फ एक ही सूत्र एन पी आर बराबर फैक्टोरियल एन बटे एन माइनस आर का फैक्टोरियल का ही उपयोग हुआ है। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर एक आध दो क्वेश्चन और अलग टाइप के ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि फ्लोरा के अक्षरों फ्लोरा के विभिन्न अक्षरों फ्लोरा के विभिन्न अक्षरों से बनने वाले से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए।
अब ये थोड़ा सा अलग हट के सवाल है, अभी तक के सवाल में हमने सूत्र का उपयोग किया था। इस प्रश्न में जो हम पिछले कालखंड में बताए थे जैसे ए बी सी का उदाहरण लेकर के किए थे, तो उस तरीके से है कि फ्लोरा के विभिन्न अक्षर एफ एल ओ आर ए के विभिन्न अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम इसमें लिखेंगे हल में शब्द एफ एल ओ आर ए में पांच विभिन्न अक्षर, पांच विभिन्न अक्षर एफ एल ओ आर एवं ए है। अब इस पांच विभिन्न अक्षरों में से बनने वाले क्रमचयों की संख्या शब्द से बनने वाले क्रमचयों की संख्या टोटल एन का मान कितना है, पांच, और उस पांच से पांच अक्षर को ही लेकर के हमको शब्द बनाने हैं। उस पांच अक्षर से लेकर के आर का मान यहां पर पांच है, इस पांच अक्षर को लेकर के हमको शब्द बनाने हैं, तो वो क्या हो जाएगा NP5, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 और 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। किस सूत्र का हम उपयोग किए, NPR बराबर फैक्टोरियल N, N माइनस R का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर कितना बच जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0, और हमने आपको बताया है कि फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हम इसको फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, और इस फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, ये डॉट के जो निशान है ये गुणा के निशान है, और जब हम इस पूरे का गुणा करते हैं तो ये कितना जाता है 120। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एफ एल ओ आर ए के विभिन्न अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या जो होगी वो 120 होगा। 120 तरीके से हम पांच अक्षरों को लेकर के जमा सकते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को लिख लीजिए, इसके बाद एक अंतिम प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 1, 3, 5 एवं 7 अंकों को लेकर, अंकों को लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई हो। एक, तीन, पांच एवं सात अंकों को लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई हो। यहां पर देखिए हमारे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में चार अंक दिए हुए हैं, और उस चार अंकों से लेकर कितनी संख्याएं
बनाई जा सकती है, बोल के बोल रहा है। कहने का आशय है एक अंक से भी बनेगा, दो से भी संख्याएं बनेंगे, तीन से भी संख्याएं बनेंगी और चार से भी संख्याएं बनेंगी। दो अंक की संख्या यदि हम बोले 57 बोले तो ये दो अंक की संख्या हुई कि नहीं, यदि हम ये बोले 357 तो ये तीन अंकों की संख्या हुई। तो हमको कुल संख्याओं की संख्या या कुल कितने क्रमचय हैं ये हमको ज्ञात करना है। तो हम यहां पर हल में लिख सकते हैं दिए गए चार अंकों से एक अंक वाली, दो अंक वाली, एक अंक वाली, दो अंक वाली, तीन अंक वाली व चार अंक वाली संख्याएं प्राप्त होंगी। तो हमको पहले अपने मन से सोच करके ये देख लेना है कि आखिर कितनी संख्याएं बन सकती है। तो एक अंक वाली भी संख्याएं होंगी, अलग अलग हम लिख सकते हैं क्योंकि हमको प्रश्न में ये बोला है कि पुनरावृत्ति न हुई हो तो हम दोबारा नहीं लिख सकते किसी को। एक अंक में 1, 3, 5, 7 हो सकते हैं। दो अंक में क्या बन सकते हैं, 1 और 3, 13 बन गया, 1 और 5, 15 बन गया, 1 और 7, 17 बन गया, 5 और 7, 57 बन गए। इस तरीके से दो अंकों वाली भी संख्याएं बनेंगी, तीन अंकों वाली भी संख्याएं बनेंगी और चार अंकों वाली भी संख्या बनेंगी। अंकों का स्थान अदल बदल होता जाएगा। तो कुल क्रम उसी को हमने पहले लिख लिया कि दिए गए चार अंकों में से एक अंक वाली, दो अंक वाली, तीन अंक वाली व चार अंकों वाली संख्याएं प्राप्त होंगी। अतः कुल क्रमचय की संख्या, अब हमको कुल क्रमचय की संख्या ज्ञात करना है। तो सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4P1 प्लस 4P2 प्लस 4P3 प्लस 4P4। चार अंकों में से 1, 2, 3, 4, चार अंक में से एक अंक लेकर के बनाए, चार अंक में से दो अंक लेके बनाए, चार में से तीन बनाए और चार अंक में से चार को लेकर के बनाए। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4/4-1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4/4-2 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4/4-3 का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 4/4-4 का फैक्टोरियल। चारों को लिख लिए सूत्र के आधार पर, ये क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल बटे 1 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल बटे 0 का फैक्टोरियल। इधर साइड में लिख दे रहे हैं हम, अब 4 है और फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3, तो ऊपर कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। 4×3×2 का फैक्टोरियल और ये 2 का फैक्टोरियल, तो ये दोनों कट जाएंगे। थर्ड वाला में 4×3×2 और ये 1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल है, तो ये दोनों कट जाएंगे। और लास्ट 4×3×2×1 और 0 का फैक्टोरियल का मान 1 होता है, तो ये 1 लिख दिए। बिल्कुल एक एक लाइन से हम बता रहे हैं, इतने आपको करने की हालांकि आवश्यकता नहीं है लेकिन आपको समझने में कहीं पर भी तकलीफ नहीं होगी। अब इसके बाद देखिए, ये 4 धन 4 × 12, 4×12 = 24 और 4×12 = 24, इन सबको जोड़ दीजिए, 24×2 = 48, 48×12 = 60, 60 × 4 = 64। तो यदि हम चार अंक लेते हैं 1, 3, 5, 7 से अंकों को लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है पूछा जाता है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक सभी का हमको अलग अलग लेना है, सभी के मान अलग अलग निकालने हैं और सभी के मान अलग अलग निकालने के पश्चात उसको हल करना है और जोड़ना है।
तो इस तरीके से इस प्रश्नावली के अलग अलग तरीके के सवाल हमने आपको हल करके बताए। अब आप लोग घर जाइएगा और जाने के पश्चात उन सवालों को पुनः बना करके देखिएगा उसी तरीके से सवाल। आशा करते हैं कि आपको इन सवाल को बनाने में किसी भी तरह के कोई परेशानी नहीं होगी। आगे हम अगले दिन फिर अलग तरीके का प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।